हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमन। आप देख रहे हैं दान बॉक्स टेक्नोलॉजी। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो CBT 1 का जो आंसर की निकल के आया है वो क्या कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आंसर की निकल के है CBT 1 एग्ज़ाम का और एक फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है 22 सितंबर से और क्लोज होगा 1 अक्टूबर। दोस्तों इस फॉर्म फिलअप में आपको आरआरबी जो जोन वो सिलेक्ट करना है, जो वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम डेट सिलेक्ट करना है और बैंक जो डिटेल्स मांगा था वो आपके गलत इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दोस्तों जो वैकेंसी वो बढ़ाया गया है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 2795 और फेरियस टेक्नीशियन के लिए 36,576, यानी टोटल 64,371 पोस्ट। दोस्तों जो कट ऑफ होने वाला है वो एएलपी के लिए जेएल का जो कट ऑफ वो 40% to 42% के बीच में ही होगा, यानी आपका जो CBT 1 का जो जो प्राप्त नंबर 30 है तो आप आराम से CBT 2 के लिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और OBC का जो कट ऑफ होने वाला है वो मिनिमम 30% से 38% आप CBT 1 के एग्ज़ाम में 22.5% मार्क्स लाया हो तो आप CBT 2 के लिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और SC के लिए कट ऑफ होने वाला है मिनिमम 29%, यानी 21.75 नंबर। आप CBT 1 में 21.75 नंबर प्राप्त हुआ हो तो आप CBT 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और ST का जो कट ऑफ होने वाला है मिनिमम 20%, यानी 15 नंबर CBT 1 एग्ज़ाम में प्राप्त हुआ हो तो आप CBT 2 के लिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और जो टेक्नीशियन का जो होने वाला है और जेएल का होने वाला है 40% मिनिमम और 30 नंबर CBT 1 प्राप्त हुआ हो तो CBT 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। OBC का जो मिनिमम कट ऑफ होने वाला है वो है 30%, यानी 22.5% CBT 1 के में एग्ज़ाम का नंबर प्राप्त हुआ तो आप CBT 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और SC का जो टेक्नीशियन का जो कट ऑफ होने वाला है वो 29% मिनिमम टू 33%, 21.75 जो नंबर प्राप्त हुआ तो आप CBT 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और ST का जो कट ऑफ वो 20% से 22% होने वाला है टेक्नीशियन के लिए, तो आप 15 नंबर CBT 1 एग्ज़ाम में प्राप्त हुआ तो आप CBT 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। दोस्तों आपका CBT 1 एग्ज़ाम का नंबर कम हुआ है तो आप ठीक ठाक जोन चूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि गलत जोन चूज़ कर लिया तो आपका जो चांस वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों जो असिस्टेंट जो लोको पायलट है वो कलकत्ता, इलाहाबाद, भुवनेश्वर ये 3 जोन को सिलेक्ट ना करें। जो कम नंबर हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो ज़्यादा नंबर हुआ है वो तो ठीक है। और जो टेक्नीशियन का जो ये है नंबर कम हुआ है वो मुंबई, भुवनेश्वर और मुंबई भुवनेश्वर और चंडीगढ़ सिलेक्ट ना करें। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए।